अब जरा इस टूटे फूटे भवन को देखिए, इस बिल्डिंग को देखिए, दरक रहे इन दीवारों को देखिए और सोचिए कि क्या कोई यहाँ पे एक घंटा भी रहेगा। डर नहीं लगता तुमको ये सब टूटा फूटा है? डर लगता है। लगता है। तो क्या कहोगे बेटा, जो अंधी सरकार, गूंगी बहरी सरकार नगर पालिका की है, नगर पालिका है या जो सरकारें ध्यान नहीं दे रहे, उन लोग से क्या अपील करोगे? ये कॉलोनी बन जाए, बस कॉलोनी बन जाए। जब कभी हादसा हो जाएगा तो लोग छाती पीटने आएंगे, मातम मनाने आएंगे, जिला प्रशासन के अधिकारी आएंगे और सरकार से घोषणा करवाएंगे या खुद मुआवजा देंगे। तो वो सब देने की जरूरत नहीं है, इनकी जान से खेलने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो जो मुआवजा आप दुर्घटना होने के बाद, जनहानि होने के बाद देंगे, अगर वही पैसे लगा करके इनके लिए सही से निर्माण हो जाए। दुर्गा यादव 40 साल रहा है, कभी झांकनी नहीं मारे है। आएंगे वोट लेंगे, चाचा एक खड़ा। ये वही सफाई कर्मी है जब हम सोते रहते हैं तो हमारे नगर के मोहल्लों में, हमारे कस्बे में झाड़ू लगा करके लोग साफ करके चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता। कभी कोई हादसा वगैरह भी हुआ? इतना बहुत हुआ, हमारी देवरानी वो लेकर गिर गई, हाथ टूट गया, चोट आई यहाँ पे, अभी उसके निशान है, टूट रहा फूट रहा। हम लोग बनवा रहे हैं, इतना हम लोग को पैसा नहीं हो रहा कि हम लोग इतना मरम्मत कराया जाए। अपने बच्चों ही के नहीं खिला पा रहे हैं तो बनवाएंगे कहाँ से? लोग नगर पालिका के कर्मचारी हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष को आपने नहीं बताया कि हमें कहीं? कितनी बार वो लोग खुद आकर देख के गए हैं मगर कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारे जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो आएंगे और सियासत करके निकल जाएंगे, लेकिन तब भी इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। नमस्कार, सीआईबी इंडिया न्यूज पर मिशन चेयरमैन देख रहे हैं आप। अब तक हमने दो प्रत्याशियों का इंटरव्यू किया, साक्षात्कार किया और इनकी बातों को आम जनता तक पहुंचाया। हमारा वादा है कि हम आजमगढ़ नगर पालिका के तमाम वार्डों में भी जाएंगे और जनता को अगर कोई समस्या है तो उसे भी दिखाएंगे, ताकि जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी नज़र उन समस्याओं पे पड़े और वो जनता को क्या आश्वासन देते हैं उन समस्याओं को दूर करने का, ये भी देखने का विषय होगा। तो हम लोग इस वक्त बाज बहादुर वार्ड में हैं और यहाँ पर हम आए हैं, किस लिए आए हैं जब मैं वो बताऊँगा आपको तो आप उस मंज़र को देख करके तड़प जाएंगे। मंज़र ऐसा है कि उसके बारे में बताने में भी डर लग रहा है मुझे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आजमगढ़ की जनता से ही पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आजमगढ़ का जिलाधिकारी कहाँ रहता है तो सहज रूप से आप सभी बता देंगे कि कलेक्ट्रेट में रहते हैं। एसपी साहब को पूछ लूँ तब भी आप बता देंगे। शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर कहाँ रहता है तब भी आप बता देंगे। सदर अस्पताल कहाँ है, वहाँ पर सीएमओ साहब कहाँ बैठते हैं, वो भी आप बता देंगे। लेकिन आपके दरवाजे पर सुबह उठ करके जब आप अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो जो आपके घर के सामने आपने कचरा जमा कर रखा होता है उसको साफ करने वाला कहाँ रहता है, वो सफाई कर्मी कहाँ रहता है, क्या आपको पता है? मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। एक प्रत्याशी हैं, इसी जगह पे वो आए थे और वहाँ पे खड़े होकर के उन्होंने एक जर्जर भवन को दिखाया था सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक अकाउंट से उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था और उसके बारे में बताया था। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा मैं ये देख लूँ ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या प्रत्याशी अपनी बड़ाई करने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं बोले जा रहा है। तो मैं आया हूँ यहाँ पर और पहली बार मुझे अपने ऊपर भी दुख हो रहा है कि हम तो सबको जानते हैं कि कौन साहब कहाँ रहते हैं, लेकिन हमारे नगर के सड़कों को, हमारे मोहल्लों को साफ करने वाले लोग कहाँ रहते हैं ये हमें नहीं पता। शायद आजमगढ़ के 90% से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे सफाईकर्मी कहाँ रहते हैं। तो उसी जगह पे मैं आया हूँ, 1986 में ये कॉलोनी बनी है, 16 परिवार एक जर्जर मकान में रहते हैं और जब आप उस मकान को देखेंगे, इसी गली से मैं आपको लेके चलता हूँ, जब आप उस जर्जर मकान को देखेंगे तो आप हैरतज़दा हो जाएंगे। जैसा मैं कह रहा था कि आप डर जाएंगे कि ऐसे घर में भी कोई रहता है क्या, ये कब गिर जाए मुझे खुद नहीं पता। ये देखिए, ये कब गिर जाए मुझे खुद नहीं पता, इस तरह की जर्जर अवस्था में ये घर है। देखिए सरिये बाहर झांक रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बेशर्मी से दांत चियार रहा है। दांत चियारा मतलब दांत दिखा रहा है ना। थोड़ा सा भोजपुरी टच वाले लोग हम लोग तो जुबान पे आ ही जाता है या ला ही देते हैं। ये देखिए इन सरियों को जो बाहर झांक रहे हैं और सोचिए कि किस तरह से
जान हथेली पर ले करके ये परिवार यहाँ पे रहता है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, ये छोटे छोटे बच्चे भी इसी जर्जर मकान में रहते हैं इन परिवारों के साथ। मैं चाहूँगा हमारे सम्मानित छायाकार महोदय ऊपर थोड़ा दिखाइए, ऊपर दिखाइए और किस तरह से ये जर्जर है, इसकी ईंटें गिरती हैं, ये स्लैब टूट टूट के गिरता है और कभी भी बड़ा हादसा हो जाएगा तो हमारे जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो आएंगे और सियासत करके निकल जाएंगे, लेकिन तब भी इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। 1986 में ये कॉलोनी बनी है, 16 परिवार रहते हैं, 8 नीचे 8 ऊपर शायद रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सफाई कर्मी लोग हैं, ये वही सफाई कर्मी हैं जब हम सोते रहते हैं तो हमारे नगर के मोहल्लों में, हमारे कस्बे में झाड़ू लगा करके लोग साफ करके चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता। मैं कह रहा था कि DM साहब को हम जानते हैं, डॉक्टर साहब को जानते हैं, SP साहब को जानते हैं कहाँ रहते हैं, लेकिन हमारे पूरे नगर को साफ सुथरा रखने वाले लोग कहाँ रहते हैं ये हमें नहीं पता था। हम आए हैं, आपको दिखा रहे हैं। अब जरा इस टूटे फूटे भवन को देखिए, इस बिल्डिंग को देखिए, दरक रहे इन दीवारों को देखिए और सोचिए कि क्या कोई यहाँ पे एक घंटा भी रहेगा। ये लोग ना जाने कितने सालों से इसी मकान में रह रहे हैं। मैं चाहूँगा उस तरफ भी जाके दिखाएं, सरिया वरिया सब टूट गया है, आप उस तरफ से दिखाते आइए, मैं इन लोगों से बातचीत शुरू करता हूँ। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब वो उधर से आएंगे तो मैं आपको इस कॉलोनी के सामने एक करिश्मा दिखाऊंगा। वो करिश्मा ऐसा है कि शायद देश के प्रधानमंत्री देख लें तो शर्मा करके अपनी जो उन्होंने शौचालय योजना चलाई थी बृहद स्तर पर भारत में, उन्होंने कहा कि इस खुले में शौच बंद करेंगे, तो उस योजना को वो बंद कर देंगे शर्मा करके भारत के प्रधानमंत्री जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि बस करो भैया, हमारी योजनाओं का लाभ तो हमें लगता है कि यहाँ पे किसी को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का मामला है यहाँ पे। तो देर ना करते हुए मैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं सफाई कर्मी हैं और एक महिला है, देखिए इनके हाथ में सफाई क्या है, ये क्या बोल, तगाड़ ये तगाड़ है इनके हाथों में और इसी से ये कचरा वगैरह उठा करके डालती हैं। क्या नाम है आपका? सब्बो। कब से रहती हैं यहाँ पे? हमारी शादी 24 साल हो गया है, तब से हमारे ससुर ससुर रहते हैं हमारे साथ। यानी अब आपकी शादी होकर हुई तब आप यहाँ पे आई? जी। अच्छा, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, टूट रहा फूट रहा, हम लोग बनवा रहे हैं, इतना हम लोग को पैसा नहीं हो रहा कि हम लोग इतना मरम्मत कराया जाए, अपने बच्चों ही के नहीं खिला पा रहे हैं तो बनवाएंगे कहाँ से। आते हैं लोग, देखते हैं, देख के चले जाते हैं। कभी कोई हादसा वगैरह भी हुआ? इतना बहुत हुआ, हमारी देवरानी वो लेकर गिर गई, हाथ टूट गया, चोट आई यहाँ पे, अभी उसके निशान है कमर में भी, चोट आ गई। बच्चे लोग हैं जैसे, वो तो भगवान नीचे। हाँ, आ सकती है, बुलाइए बुलाइए, आप जाके बुलाइए। हाँ, आप बताइए। काम पे गई। अब इतना भगवान का इस पे मेहरबानी है कि बच्चे हट जाते हैं तब गिरता है कुछ भी। अच्छा, और सबसे अच्छी जो बात आप लोगों के साथ ये है कि संयोग अच्छा रहता है कि बच्चे हट जाते हैं या हटे रहते तभी गिरता है, मगर संयोग यही है कि मेरी देवरानी वहाँ बैठी थी, आ रही थी, बस वो लेकर पूरा बारजा लेकर नीचे गिर गई थी और बाकी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। भगवान कितनी मेहरबानी है कि भूकंप आया, आंधी तूफान आया, मगर हम लोग को भगवान बचा रहा है, भगवान बचा रहे हैं। तो जो जमीन पे जिनको भगवान बनाया है आप लोगों ने, उन लोगों से आप लोग शिकायत नहीं करते कि अरे भैया आप लोगों को तो हम नेता बना दिए, विधायक बना दिए, सांसद बना दिए? तब ना सुनेगा कोई, तब ना कहते तो हैं बहुत। तो आप लोग नगर पालिका के कर्मचारी हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष को आपने नहीं बताया कि हमें कहीं पे? कितनी बार वो लोग खुद आकर देख के गए हैं मगर कोई सुनवाई नहीं है। कब शिकायत किया था आपने? अरे इतना याद कहाँ साहब, पालिका अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हनी श्रीवास्तव पूरा कामकाज देखते हैं, देख के वो गए हैं। कब गए? अरे वो हमारे ससुर। अच्छा, एक सेकंड, आपके ससुर हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? तौफीक अहमद, मेरा नाम है, श्रीवास्तव आए थे। श्रीवास्तव? हाँ, बताइए। वो कहे कि ये कॉलोनी खाली कर दो, बनेगी। हमने कहा खाली नहीं करेंगे, क्यों बनेगी, इसमें मरम्मत करवाइए या मजबूर लगवाइए। नहीं ठीक है, अगर बनेगी वो कह रहे हैं तो बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों के रहने की व्यवस्था कहीं किया? आए नहीं ना फिर दोबारा? फिर नहीं आए? नहीं, दोबारा नहीं आए, हो गया साल भर। अच्छा, साल भर हो गया? साल भर हो गया, कल चले गए, आए नहीं, फिर इसमें झाक नहीं मारा, नहीं आते, कोई नहीं आता। अच्छा, तो आपने उनसे उस वक्त सवाल नहीं पूछा था कि अच्छा भैया बनवाएंगे तो हमें कहीं शिफ्ट कर दीजिए तभी ना बनवाएंगे? नहीं, कहते बना बनेगा तो होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, जब विधानसभा वगैरह का चुनाव उनाव होता है, सांसदी का चुनाव होता है, अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ, तो नेता होता आते हैं वोट वोट मांगने आप लोग? आते हैं नेता, दुर्गा यादव 40 साल रहे, कभी झांकनी नहीं मारे है, आएंगे वोट लेंगे, चाचा देख ला हम ही खड़ा है, वोटवा हम के देता, ओके बाद कहा जयरमी, कहीं जयरमी, एक
अच्छा, बस यही सीधा है। बड़े विधायक लोग आए, दुर्गा आए, फलाने आए, कितने जीत के चले जाते हैं, कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ सांसद जी कोई नहीं आता यहाँ देखने, कोई नहीं आता यहाँ देखने के लिए कोई आदमी। तो का कभी, जैसे आप लोग तो सरकारी कर्मचारी है, सुन लीजिए, आप लोग सरकारी कर्मचारी है, कॉलोनी बनी है आपके सामने, बनी है ना? हाँ, मेरे सामने। मैं इसका ताला तोड़ के पहले आया था, मैं था, मेरी बीवी थी। अच्छा। और मेरी सास थी। अच्छा। मैंने ताला तोड़ के इसमें रहा जब बनी थी। अच्छा। जब से मैं इसमें रह रहा हूँ, खाली इसमें लेबर ही जला के रहा हूँ 40 साल से। अच्छा। उसके बाद कुछ नहीं थी। उसके बाद राम सिंह आ रहा है, वो हीरा पट्टी के सेक्रेटरी साहब रहे, हम लोग गए तब ताला तोड़े और आए हम दफ्तर, गए पेशी हुई, तो ये हुआ कि ताला नहीं तोड़ा। ठेकेदार का क्यों ताला तोड़ा, हमका तेरे बाप का है, हमने ताला तोड़ा। वो दूसरा विषय है। आप भी सफाई कर्मी हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे, अच्छा जिला पंचायत से, चलिए ठीक है, जैसे सफाई कर्मी तो सरकारी कर्मचारी है ना सब, तो जैसे आप लोगों ने जब यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं या जो जो लोग जिम्मेदार हैं नहीं सुन रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने जिलाधिकारी को इसके बारे में सूचना दिया कि हम लोग मौत के साले तले अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? लोग आते हैं, आने के बाद अपना काम निकल जाते हैं, फिर दोबारा पूछने नहीं आते। आए हैं, वोट लेना है, हाथ जोड़ लिए, वोट मिल गया, चल दिए। मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। कोई भी आया, बस अपना मतलब निकाले, निकाल के चल दिए। आपका क्या नाम है? निशा। कब से रहती हैं आप? हम तो 40 बरस से रहते हैं। 40 बरस से, तो ये मकान तो पूरी तरह से टूट फूट गया है, दरक गया है, डर नहीं लगता? डर लगता, भगवान के ऊपर बैठे हैं, भगवान के भरोसे। हाँ, कहाँ जाएंगे, हमारे न वतन है न घर है। अच्छा, हम किसके वहाँ जाके बैठेंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे पढ़ के आ रहे हो। हाँ, पढ़ के आ रहे हो। क्या नाम है? इधर आओ। क्या नाम है? मोहम्मद उमर। किस स्कूल में पढ़ते हो? उमर किसकेयर। तेज बोलो, किसकेयर। अच्छा, तो इसी घर में रहते हो? यस। अच्छा, आपका पोता है। डर नहीं लगता तुमको, ये सब टूटा फूटा है? डर लगता है। हाँ? लगता है। yes. तो क्या कहोगे बेटा, जो अंधी सरकार, गूंगी बहरी सरकार नगर पालिका है या जो सरकारें ध्यान नहीं दे रहे, उन लोग से क्या अपील करोगे? ये कॉलोनी बन जाए, बस कॉलोनी बन जाए। जरा इस मासूम की सूरत देखिए और सोचिए कि इस घर में किस तरह से खौफ के साए में रहता है। इस मासूम की सूरत देखिए और सोचिए कि किस तरह से खौफ के साए में रहता है। हम तो अपने अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं जनाब। ये वो लोग हैं जब आप आंख बंद करके सोए रहते हैं 8 बजे 9 बजे तक, तो आपके घर के सामने से कचरा साफ कर देते हैं। इनकी ज़िंदगी अगर ऐसे चलेगी तो फिर कैसे चलेगा, इंसानियत कहाँ बचेगी? क्या नाम तुम्हारा? इधर आओ। क्या नाम है? अफजान। हाँ अफजान। डर लगता है? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ क्लास में। तो ये वो बच्चे हैं, और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस चीज़ को मैं कह रहा था देख के शर्मा जाएंगे, ये इन सफाई कर्मचारियों का शौचालय है। प्रधानमंत्री जी ने इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति को शौचालय देने का काम किया, जो नहीं पाए हैं अभी तक उनको भी देने की बातें हो रही हैं, और गाय बगाए लोगों को मिल भी रहा है। लेकिन इनकी हालत देख लीजिए, अगर मैं सच बता रहा हूँ कि किसी भी शौचालय का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो यहाँ पे 2 मिनट रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी ज़िंदगी सोचिए किस तरह से बदतरीन हालत में ये अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, और किस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि तिल तिल करके मर रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई जनप्रतिनिधि इसकी बात करता है तो मुझे लगता है कि वो ठीक करता। आपका क्या नाम है? सलमान। मोहम्मद आसिफ नाम है। यहीं पर रहते हैं जी? सफाई कर्मी हैं आप? नहीं, मैं यार, मेरे अब्बू सफाई कर्मी। अच्छा, अच्छा, आपके अब्बू सफाई कर्मी हैं जी। तो ये सब बुरी तरह से जर्जर हुआ है, मौत का खौफ नहीं लगता? एक बार ऊपर दिखा दीजिए ना, कुछ लोग खड़े हैं, देखिए कैसे, ये कभी भी गिर सकता है, ये कभी भी पलट के गिर सकता है। कोई भरोसा नहीं, कभी भी चल जाएंगे। अच्छा, ऊपर चलिए, हम लोग ऊपर चल के, आप भी आइए भाई साहब, ऊपर चल के एक बार देख लेते हैं, ऊपर चल के देख लेते हैं। और मैं भी जान हथेली पे लेके ही जा रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब जिस तरह से ये बता रहे हैं, कभी भी गिर जाता है। हाँ लीजिए, एक साहब बता रहे हैं पिछले 40 साल से एक बार भी इसमें कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ, अगर मरम्मत हो जाती तो शायद स्थिति। ये देखिए, ये ऊपर का हालत है, पूरा सरिया झांक रहा है, और ये देखिए इधर जाना तो जान, मतलब वही है कि अभी तुरंत कोई जाएगा उधर तो गिर जाएगा। ये इस तरफ की हालत है, और
निकल के लोग पूरा ये देखिए किस तरह से ये जर्जर है, ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई। हाँ, और ये देखिए कि जान जोखिम में डाल के किस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं। और हम उस चीज़ को आपको दिखाने आए हैं कि देखिए आपके घरों को स्वच्छ रखने वाला, आसपास का जो इलाका है, जो कस्बा है, उसको स्वच्छ रखने वाला किस तरह से मजबूरी में रहता है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए अमूमन बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर है और इस तरफ का हिस्सा झुका हुआ है। कहाँ पे? उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे टूटा फूटा है। ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। दरक गई पूरी, एक तरफ झुक गया है, ये कभी भी गिर सकता है। तो क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण चौरसिया है, मैं इसी बात बहादुर वार्ड का निवासी हूँ। अच्छा, आप इसी वार्ड के निवासी हैं? जी जी। तो मैंने एक चीज़ कही, मैंने एक चीज़ कही कि जैसे हम सबको तो जानते हैं कौन कहाँ रहता है, बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं, डॉक्टरों को जानते हैं, इंजीनियरों को जानते हैं, लेकिन हमारे घर के आसपास की जो सड़कें हैं, जो हमारे कस्बे मोहल्ले हैं, उसको साफ करने वाले अगर ऐसी जगह में रहेगा तो आप सोचिए क्या हालत होगी। बिल्कुल, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे समाज के लिए कि जो हमारे समाज को गंदगी को साफ कर रहे हैं, उनकी जान को जोखिम में डाला है। यहाँ के नगर पालिका प्रशासन ने, यहाँ के शासक जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आए यहाँ पर, देखें और जल्दी से जल्दी इन लोगों का निस्तारण करें, ताकि ये लोग कभी भी कोई दुर्घटना होगी तब जागेंगे, उसके पहले ये लोग चेत जाएं, जान बच जाए लोगों की। हमेशा ही इस देश में, समाज में एक बहुत बड़ी चीज़ रही है कि जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद शासन प्रशासन जो है पैसे का खेल खेलता है। मैं निवेदन करूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि वो मौके पर आकर और तुरंत इस समस्या का निस्तारण करें। बहुत सही बात कही भाई साहब ने, इस तरफ आ जाओ नहीं तो गिर जाओगे, नीचे चले जाओगे, इस तरफ आ जाओ। बहुत सही बात कही है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि कोई दुर्घटना घटे उससे पहले ही जिम्मेदारों को चेत जाना चाहिए। मैं भी वही कह रहा था कि जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, और सबसे बड़ी बात ये नगर पालिका के कर्मचारी हैं, नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है इनकी सुरक्षा की, इनको अच्छे तरह से रहन सहन के लिए आवास की, लेकिन नगर पालिका तो पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इनके काम करने वाले लोग किस जीड़ शीड़ अवस्था में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जब कभी हादसा हो जाएगा तो लोग छाती पीटने आएंगे, मातम मनाने आएंगे, जिला प्रशासन के अधिकारी आएंगे और सरकार से घोषणा करवाएंगे या खुद मुआवजा देंगे, तो वो सब देने की ज़रूरत नहीं है, इनकी जान से खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो जो मुआवजा आप दुर्घटना होने के बाद, जनहानि होने के बाद देंगे, अगर वही पैसे लगा करके इनके लिए सही से निर्माण हो जाए, इनकी कहीं व्यवस्था हो जाए, या इनको कहीं पे शिफ्ट करके इसी जगह को डिमोलिश करके, गिरा करके, फिर से निर्माण करके इनको हैंडओवर कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे नगर को स्वच्छ रखने वाले लोगों के साथ इंसाफ होगा, वरना हमें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं ईश्वर को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीचे हमने जितने लोगों से बात किया उन सब ने कहा कि हम तो भगवान के भरोसे, हम तो अल्लाह के भरोसे यहाँ पे बैठे हैं और उनके भरोसे रह रहे हैं। हमें डर तो लगता है, लेकिन हादसे कभी कभी जब होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस वक्त होता है कि जब हमारे घर का कोई सदस्य वहाँ नहीं रहता है। ये देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे यहीं पर रहते हैं, कब कौन गिर जाएगा किसका ठिकाना है, कब कौन गिर जाएगा किसका ठिकाना। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखिए और शर्म करिए जिम्मेदारों, मैं सीधा कहूँगा शर्म करिए, और अगर आपकी अंतरात्मा जिंदा है तो इनके लिए तत्काल कुछ करिए। चुनावी मौसम में चुनावी वादा नहीं चाहिए, इनके लिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा, वरना क्या मतलब है? भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, सबसे बढ़िया, सबसे व्यवस्थित, क्या मतलब है? ये दिया है हमने, ये दिया है आज़ादी के बाद अगर हमने अपने लोगों को, तो समझ लीजिए कि स्थिति कितनी दयनीय है। हम ऐसे ही तमाम वार्डों में जाएंगे और वहाँ पे जनता की ज़रूरतों को, जनता के मुद्दों को आप तक पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर जनता ने अपने इस चुनावी समर में जनता ने अपनी बातों को रखा और उस पर अगर उनका निदान हो गया तो ये सबसे बड़ी बात होगी। तो आप भी तैयार रहिए, आपके वार्ड में आएंगे, आपके क्षेत्र में आएंगे, अगर जनता की कोई समस्या है तो उसे भी दिखाएंगे और प्रत्याशियों से भी पूछेंगे कि आखिर इस तरह की कॉलोनियों के लिए वो क्या सोच रहे हैं, उसकी भी बात, उनकी भी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।